हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी वाली बुक के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पति है, जंगल है, वन है, उनके बारे में बात करेंगे और वहाँ पर कौन कौन से प्राणी रहते हैं, कौन कौन से जीव रहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यह बनता है कि विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो जैव विविधता संपन्नता के जो अधिकता वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं और कितने देश हैं। तो भारत उनमें से एक है और 12 देश ऐसे हैं जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता। पौधे अलग अलग तरह के होते हैं, जंतु भी अलग अलग तरह के होते हैं और इस विविधता को ही कहा जाता है जैव विविधता। आगे हम बात करें, लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। तो भारत की जो विविधता है, भारत में कितने पौधे पाए जाते हैं, 47,000 पौधे पाए जाते हैं। इस आधार पर विश्व में यह 10वें नंबर पर आता है विविधता के मामले में और एशिया के देशों में 4थे नंबर पर आता है। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे हैं जो विश्व के फूल के पौधों का 6% है। तो यहाँ पर देखिए, एक आंकड़ा ये भी दिया गया है कि विश्व में जितने भी फूलों के पौधे हैं उनकी जैव विविधता के आधार पर भारत में जो फूलों के पौधे हैं कितने हैं, 6% हैं और यह 6% जो संख्या है वो कितनी है, 15,000। भारत देश में बहुत से बिना फूल के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, कवक यानी फंजाई भी पाए जाते हैं। तो इनको अपुष्पोद्भिद पादप भी कहा जाता है, कवक, शैवाल और फर्न को। भारत देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे एवं समुद्री पानी में पाई जाती हैं। और देखिए, मछलियाँ जो है वो समुद्री इलाके जो हैं वहाँ के मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ भी मानी जाती हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हम प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। इसे हम अक्षय वनस्पति भी कहते हैं, अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। जो बिना मानवीय सहायता के जो वनस्पति उगती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज पौधे कहा जाता है। जो पौधे बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे या विदेशी पौधे कहा जाता है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदी के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो मरुस्थली क्षेत्र होता है वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी ऊपर क्या मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, और जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर कैसे पौधे पाए जाते हैं, पर्णपाती पौधे पाए जाते हैं। और जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी जो है वो कैसी है, गहरी है, उन स्थानों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। भारत में निम्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। देखिए, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से कौन सी वनस्पति भारत में नहीं पाई जाती है। तो ये 5 प्रकार की वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन भारत में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना इस बात को, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में व्यापारिक वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, एबोनी, महोगनी, रोजवुड और रबर और सिनकोना। ये व्यापारिक महत्व के पौधे हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन कौन से हैं, तो वह वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन कहाँ मिलते हैं, झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख जो प्रजाति है, पादप प्रजाति, वह है सागौन है। व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जैसे बांस है, शीशम है, चंदन है और खैर है, कुसुम है, अर्जुन है और सहतूत है। यह व्यापारिक महत्व के पौधे हैं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं भारत में। आगे हम बात करें, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है।
ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में। उष्णकटिबंधीय कटीले वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये वन कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय कटीले वन गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन के क्षेत्र मुख्य पादप प्रजातियां अकेसिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी। नागफनी को कैक्टाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैक्टाई। तो नागफनी हुई, खजूर खजूर हुई, अकेसिया यानी बबूल हुई, यूफोर्बिया डंडाथोर जिसे हम बोलते हैं, ये सब कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो जिन वनों की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई होती है वहाँ पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले आक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। तो जो चौड़ी पत्ती वाले जो आक है वो कहाँ मिलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर पाए जाते हैं। देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये जो वन है वो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो आपका जो चीड़ का पेड़ है, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, ये 1500 से 3000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों घास के मैदानों का स्थान को अल्पाइन वनस्पति यानी कि ऐसी वनस्पति ले लेती है जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे सिल्वर फर, जूनियर, पाइन, बर्च, इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्राय कश्मीर, महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईवैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियाँ यहाँ पर जो जीव हैं उन जीवों के वन्य जीवों के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है। देखिए यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिससे पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की जो डेल्टा है वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कह सकते हैं कि जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, दलदली भाग जहाँ पर होता है वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और हमारे देश में कहाँ पर? गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी और गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी के जो डेल्टा बनते हैं वहाँ पर ये है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। आगे हम बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है और इसीलिए उस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, बेंगार वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। तो इन सुंदर वन में क्या मिलता है? बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से चीता जो पाया जाता है वह प्रसिद्ध जानवर यहाँ का मिलता है। भारत में प्राय औषधि उपयोग करने वाले कुछ पौधे हैं जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और कचनार। ये औषधि महत्व के पौधे हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2500 प्रजातियाँ हैं जो विश्व का लगभग 12% है। तो देखिए आंकड़ा ये इंपॉर्टेंट है, NCERT का आंकड़ा है जो परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम बात करें, भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। तो उभयचर है, सरीसृप है, लेटे हुए जानवर जो हैं जमीन पर रहकर चलते हैं और स्तनधारी जानवर हैं, इनके परसेंट मात्रा जो है भारत में कितनी मिलती है? 5 से 8%। आगे हम बात करें, भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं और एक सींग वाला गैंडा भी महत्वपूर्ण जानवर है जो असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में लागू किया गया था। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन और हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। भारत की नदियाँ, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का
एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल है वो केवल विश्व में कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि पक्षियों की जातियाँ मिलती हैं जो कि वन तथा आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण भी क्या है, जरूरी है। और इसीलिए विश्व में जैव विविधता संरक्षण की बात की जाती है, क्योंकि इकोसिस्टम को, पारितंत्र को बनाने में इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तेजाबी जमाव के कारण, यानी कि जो केमिकल वाला जमाव है उसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। विदेशी जातियों का प्रवेश, कृषि एवं निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। भारत देश में पादप एवं जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 14 वन्य जीव निच जो स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए, नीलगिरी जो है वो नेशनल पार्क 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य की सीमा पर स्थित है, तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा 1992 से सरकार द्वारा भारत पादप उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। और भारत में देखिए, किताब का आंकड़ा कहता है 89 राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वर्तमान में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 49 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों, हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया और फास्टली इसका रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं एनसीईआरटी की अन्य क्लासेस को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी का अध्ययन करना हमारे लिए। तो फास्टली रिविजन के तौर पर भी इन क्लासेस को आप देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछो, कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है उनका हम समाधान कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।